नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसन सिग्नल कम स्किनर बनाया है, उसी का थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ। और सोमवार के लिए, मतलब 27 जनवरी 2019-20 के लिए मैंने आप लोग को बाइसन लेवल ऑफ सम स्टॉक्स, इक्विटी, कमोडिटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और 100 डे EMA स्ट्रैटेजी और इनसाइड द बार NR4 NR7 और कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को इसका नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी डायरेक्शन जो कि मैंने रेगुलर बेसिस पर देता हूँ, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और स्ट्रैटेजिक टेक्निक्स है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसमें आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसमें फाइल में क्या क्या है, कैसे स्क्रीनिंग करना है, ये मोस्ट इफेक्टिवली कैसे काम करना है, फिबोनाची स्ट्रेटजी क्या है, ये सब आप लोग पिछले वाला वीडियोस देख लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए और इसमें ट्रेड करने के लिए आप लोग को सुविधा हो जाएगा। इसका लिंक आप लोग को इस मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने ये पूरा शेयर करता हूँ। और इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियोज़ भी आप लोग देख लीजिए। इसमें आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकते। इसका लिंक आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फाइल सैम्पल फाइल डाउनलोड करना, इसमें क्या क्या है, कैसे स्क्रीनिंग किया जा सकता है, आप लोग देख सकता है। सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट लिंक यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। तो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए और उसको लिंक को क्लिक करके वीडियोस और फाइल्स देख लीजिएगा प्लीज़। ओके, तो इसमें देखिए मैंने बाइसन लेवल 1, 2 और 3 देता हूँ। तो ये बाइसन लेवल 1, बस इसका बाइक का एंट्री लेवल बीच में रहता है। टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है। और टारगेट सेल का एंट्री लेवल बीच में, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। और इसमें कौन सा लेवल पे कौन सा है वो भी आप लोग को इधर से दिख जाएगा। सोच लीजिए ये टारगेट 2 और टारगेट 3 के अंदर है, ये टारगेट 1 से टारगेट 2 के अंदर रहता है। ये बाई एंट्री लेवल और टारगेट 1 के बीच में है। तो मार्केट ओपन होने के बाद आप लोग को भी ऐसे ही देख लेना पड़ेगा ये कौन सा लेवल पे है। सोच लीजिए 643 और 641 के बीच में है। तो सोच लीजिए 635 के ऊपर है या 34 के ऊपर है। तो इधर इस उस टाइम एंट्री लेके आप लोग को इस टारगेट के लिए देखना पड़ेगा। और इस टारगेट का नज़दीक रहेगा तो ये क्रॉस होने के बाद आप लोग को एंट्री लेना पड़ेगा नेक्स्ट टारगेट के लिए। ऐसे करके आप लोग को समझ लेना पड़ेगा। मैं उसके बाद बाइसन लेवल 2 दिखाऊंगा। ये है बाइसन लेवल 2 और उसके बाद दिखाऊंगा बाइसन लेवल 3। ये है बाइसन लेवल 3 और इसके ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है। ये बोलिंजर बैंड का अपर बैंड मिड बैंड का नोट कर सकते हैं, प्राइस चैनल का अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड का नोट कर सकता है। और टीरन लेवल का, ये है टीरन लेवल, ये टॉप लाइन मिडिल लाइन बॉटम लाइन का वैल्यू नोट कर सकता है, क्योंकि आप लोग को ये एंट्री पॉइंट हो सकता है, बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है इसका ऊपर नीचे। और इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर और इंडेक्स, ये है बाई सेल लेवल 1, बाई लेवल 1 सेल लेवल 1, बाई सेल बाई लेवल सेल लेवल 2। ये है बाई लेवल, ये है बाई लेवल सेल लेवल 3। इसका स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल और टर्मिनल लेवल, ये सब आप नोट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ये स्टॉक लाइव मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। कहाँ पर मतलब रेजिस्टेंस बनता है, कहाँ पर पिवट पॉइंट बनता है और कहाँ पर सपोर्ट बनता है, वो आप लोग को देखने से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यह कमोडिटी का मैंने दिखाता हूँ। ये बाई सेल लेवल 1, बाई सेल लेवल 2, और एक बाई सेल लेवल मतलब बाई लेवल सेल लेवल मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस पिवट पॉइंट और कुछ नहीं। तो लाइव मार्केट में वो आप लोग को काम करता है, वो जो भी ब्रेक करता है उसका हिसाब से आप लोग को बाई या सेल लेवल में एंट्री लेना पड़ता है। प्राइस चैनल, टर्मिनल लेवल, कोई भी लेवल मतलब, और या बाइसन लेवल का लेवल मतलब
और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बहुत पॉइंट, और कुछ और इसके अलावा और कुछ नहीं। तो हर एक लेवल एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है या सपोर्ट होता है। आपको 22 चैनल या बोलिंजर बैंड का अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड जो देखते, या 22 चैनल का अपर बैंड मिड बैंड, वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस और पिवट पॉइंट अलावा, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके ऊपर नीचे आप लोग जब एंट्री लेंगे तो वाइसल ही वाइसल लेवल बनता है। टीरन लेवल का भी ऐसा है, और एक कोई भी वाइस बाई लेवल सेल लेवल या बोलिंजर अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड प्राइस चैनल सभी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस और पिवट पॉइंट होता है। एनीवे तो मैंने फ्यूचर्स का कुछ दिखा देता हूँ। ये आप लोग का ओनली बाई बाई लेवल एंड सेल लेवल दिखा। उसके बाद 100 डे ईएम स्ट्रेटजी, 100 डे ईएम स्ट्रेटजी का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि जो आज मतलब करेंट कैंडल को जो जिस जिस 100 डे मूविंग एवरेज काट किया है, तो जिस जिस स्टॉक्स का करेंट कैंडल लास्ट डे का कैंडल करेंट मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, उसका हाई और या लो जब तोड़ेगा तो इसका आप लोग को बाई का बाई या सेल लेवल उसके हिसाब से नोट कर सकता है। ये छोटा स्टॉक्स है, इसके लिए नहीं दिखाया। या बैंक बड़ौदा, ये भी छोटा स्टॉक्स है। इधर सेंचुरी टेक्स को दिखाता हूँ। सेंचुरी टेक्स 634 634 586, इसे जब तोड़ेगा तो आप लोग को ये कैसे ब्रेक किया है वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। इधर सोच लीजिए, मैंने इधर से सब कुछ हटा के ओनली मूविंग एवरेज 100 डे लगाता हूँ। ये हाई लो भी आज प्रीवियस डे का हाई लो या डेज का हाई लो कुछ भी आप सोच सकते हैं। ये सब एक एक, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही होता है और कुछ नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ लेना चाहिए, होपफुली बहुत ही आदमी जानते भी हो गए। 100 डे, हाँ 100 डे, इसमें सेंचुरी टेक्स में कैसे बना है आप लोग को देख देखाता हूँ। तो देखिए, ये सेंचुरी टेक्स का कट नहीं किया एक्चुअली, मेरा थोड़ा सा जो ये जो है ये क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से बनता है, और मैंने एवरेज प्राइस से बना, थोड़ा सा ऊपर से चला गया, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है कुछ। तो इसको आप लोग पकड़ सकते हैं, इसका हाई लो जब ब्रेक होगा तो इसका आप लोग एंट्री ले सकते हैं। जब 100 डे में कुछ का ऊपर या नीचे काट करता है और उसके बाद मतलब और भी ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे आए लोग वेक करेगा तो रिवर्सल होगा। इसीलिए 100 डे का ये मूविंग एवरेज का सिग्निफिकेंस है। आप लोग रिवर्स रेंज ब्रेकआउट होने से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी। अच्छा, सिप्ला को देख लेते हैं। सिप्ला को देखिए, इसमें काट किया है, क्लियरली काट किया है करंट लास्ट डे कैंडल का, इसका हाई लो जब ब्रेक करता है, और भी ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है, नहीं तो इधर से जब इसका हाई जब तोड़ेगा तो ये रिवर्सल होगा। तो इसलिए 100 डे ई एम ए का सिग्निफिकेंस है। और इधर क्या है, कौन कर इधर भी थोड़ा सा ऊपर से चला गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चार्ट में थोड़ा सा प्लेटफॉर्म है, दूसरा प्लेटफॉर्म में देखूंगा तो और भी दिखाऊंगा, तो ये भी इसको भी आप लोग देख सकते हैं। एनीवे उसके बाद मैंने इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दिखाऊंगा। इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इनाफोर का कुछ कुछ स्टॉक्स में दिखाऊंगा। फ्यूचर्स का है, मेरा सब कुछ ही है, मतलब इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी भी सब में मैंने रखा है। सोच लीजिए, इधर NR4 कुछ दिखा रहा है, मैंने एक साथ एक ही देखिए इसमें सब कुछ एक साथ फॉर्म हुआ है, तो इसी में आप लोग को एग्जाम्पल लेके दिखाने का। तो आप लोग पहले देख लीजिए कहाँ पर बनता है बना है, आप लोग स्टॉक्स देख लीजिए कौन सा इंसर्ट दबार वन डे, उसके बाद मैंने दिखा देता हूँ। हाँ, तो इसमें देखिए एक साथ सब कुछ बना है, वन डे का हिसाब से, टू डे का हिसाब से, NR4 NR7 का हिसाब से। वन डे का जो हिसाब से जब NR4 बनता है तो पिछले